नगर निगम धर्मशाला के चुनावी दंगल में 80 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाएंगे। नामांकन वापसी का अंतिम दिन 6 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया, जिसके उपरांत कुल 80 प्रत्याशी नगर निगम के चुनावी मैदान में उतरे हैं। नामांकन वापसी के बाद सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी धर्मशाला डॉ. हरीश गज्जू ने उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए। सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपमंडलाधिकारी डॉ. हरीश गज्जू ने बताया कि नगर निगम धर्मशाला के चुनावों के लिए भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा कुल 86 नामांकन पत्र भरे गए थे, जिसमें से 6 लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। सहायक निर्वाचन अधिकारी डॉ. हरीश गज्जू ने कहा कि उम्मीदवारों को सिंबल अलॉटमेंट कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो पार्टी के उम्मीदवार थे उन्हें पार्टी का सिंबल दिया गया और जो उम्मीदवार आजाद खड़े थे उन्हें चुनाव आयोग द्वारा हिंदी वर्णमाला के तहत एक लिस्ट जारी कर दी गई है। डॉ. हरीश गज्जू ने कहा कि नगर निगम चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमित व्यक्ति भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और कोरोना संक्रमित व्यक्ति 7 अप्रैल को मतदान वाले दिन 4 बजे के उपरांत अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए कोरोना संक्रमित व्यक्ति को पीपीए किट पहनना अनिवार्य होगा और इस कार्य में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उनका सहयोग करेंगे। सहायक निर्वाचन अधिकारी डॉ. हरीश गज्जू ने कहा कि नगर निगम चुनाव धर्मशाला में करीब 40,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि धर्मशाला नगर निगम के 17 वार्डों के लिए चुनाव आयोग की ओर से 34 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें सुबह 8 बजे से 4 बजे तक लोग अपना मताधिकार कर पाएंगे। सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपमंडलाधिकारी डॉ. हरीश गज्जू का कहना है कि चुनाव में कोविड-19 नियमों की जो SOP है वह यथावत ही रहेगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते उम्मीदवार के साथ 5 लोग ही चुनाव प्रचार कर सकेंगे और सभी को अपना कोविड-19 टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव केंद्र में मतदान करने वाले लोगों को मास्क पहनना आवश्यक होगा, साथ ही जिन लोगों की चुनाव केंद्र में ड्यूटी लगाई होगी उन्हें भी मुंह पर मास्क व हाथों में ग्लव्स पहनने अनिवार्य होंगे। उन्होंने कहा कि बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति चुनाव केंद्र में नहीं जा पाएगा, साथ ही चुनाव आयोग की ओर से हर चुनाव केंद्र में मास्क, सील्ड ग्लव्स व हैंड सैनिटाइजर मुहैया करवाए जाएंगे। आज जो है टोटल 6 विड्रॉल्स हुए हैं धर्मशाला MC में और इसमें से अब 80 लोग मैदान में रह गए हैं और हर वार्ड में हमने जो है सिंबल अलॉटमेंट जो है कर दी है सभी को एज पर डायरेक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। किसी वर्णमाला के हिसाब से उनका वो हमने बनाया था सिरेटम, उसी सिरेटम में हमने वो दिया। सबको हमने कहा कि अपना अपने कोरोना का नेगेटिव का टेस्ट करवाएं और जितने भी इनके डोर टू डोर जाएंगे इनके साथी लोग और पार्टी के कार्यकर्ता वो सभी जो है अपना कोरोना नेगेटिव का टेस्ट करवाएं, उसके बाद ही डोर टू डोर करें, प्रचार करें। 34 पोलिंग स्टेशन हैं और जितने भी कोविड पॉजिटिव लोग होंगे 4 बजे के बाद अपनी वोट कर सकेंगे। तो हमने निवेदन किया कि वो अपना अपना लिस्ट जो है वहाँ कंसर्न पोलिंग स्टेशन पर दें और ताकि हम उनके लिए अरेंजमेंट कर सकें। अभी तक कम से कम को 39,000 मतदाता हैं कॉरपोरेशन में।